मेरे प्यारियो, यीशु मसीह दे नाम विच स्वागत करदा हां। ये जगह जिथे मैं खड़ा होके गल कर रहा हाँ बहुत खास जगह है। यरूशलम विच सियोन पहाड़ की एक इमारत उत्ते खड़ा होके मैं प्रचार कर रहा हाँ। इस इमारत दे बारे कहा जाता है कि इस दे हेठां दाऊद की कबर है। राजा दाऊद नू इसे जगह ते दफनाया गया सी। इस इमारत दे दूसरे पासे एक कमरा है ते उसे जगह ते प्रभु येसु मसीह ने अपने चेलियां नाल आखरी भोज कीता सी ते पवित्र आत्मा भी उसे जगह ते उतरिया सी। वो कमरा मेरे बिल्कुल नेड़े है ते इस जगह तो तुहानू प्रचार करना मेरे लिए खुशी की गल है। प्रभु येसु मसीह इस शहर नू बहुत ज़्यादा प्यार करता सी। इत्थे बार बार आउंदा सी अते सेवा कीती ते इत्थे ही ठहरिया। इत्थे ही उसने अपनी आखरी सेवा कीती। इसे जगह ते उसकी मौत हुई। इसे जगह ते दफनाया गया ते इसे जगह तो येसु मसीह मुरदियां विच्चों जी उठिया। एक समा आउण वाला है जदों येसु मसीह इसे शहर विच वापस आवेगा अते इसे शहर नू अपनी राजधानी बना के सारी दुनिया उत्ते इत्थों राज करेगा। अज मैं जो संदेश तुहानू देना चाहुंदा हाँ उस विच दाऊद नू असी याद करांगे। इसका कारण यह है कि दाऊद ने ही यरूशलम शहर नू जित्या सी। दाऊद तो पहला इस शहर उत्ते यबूसी लोगों का कब्जा सी अते ए यरूशलम शहर उन्हां दे अधीन सी। जदों दाऊद राजा बनया तो उसने यबूसियां नाल युद्ध किया ते यबूसियां नाल लड़के इस शहर नू उन्हां कोलों लै लिया ते इसे करके इस नू दाऊद दा शहर कहिंदे हन। सो आओ अज असी प्रभु दे वचन चों वेखांगे जबूरां दी पोथी 113 अध्याय 7 आयत। इत्थे लिखिया है जिहड़ा गरीब नू खाक विच्चों चुकदा अते कंगाल नू रूड़ी तो उठाउंदा है वह चुकदा है ते उठाउंदा है। इसका मतलब है परमेशर गरीबां ते कंगालां दा ख्याल रखदा है। इस वचन दे वास्ते दाऊद एक वधिया उदाहरण है। जे दाऊद दे जीवन उत्ते झाती मारीए दाऊद अपने भरावां विच्चों सब तो छोटा सी अते उसदे सारे भरा चंगे तंदुरुस्त सन ते इसे करके वह सारे फौज विच सन जदके दाऊद सारिया तो छोटा होण करके भेडां चराउण दा काम करदा सी। एक तरह वह गरीब ते कंगाल सी। सारे उसनू तुच्छ जाणदे सन लेकिन परमेशर ने उसनू चुणिया ते उसनू इसराइल दा राजा ठहराया। दाऊद यहोवा परमेशर नू अपना चरवाहा मन के उस दे नाल चलिया। परमेशर दे नाल बनिया रहा। उसकी आराधना उसकी स्तुति महिमा दे गीत गाए। सब लोगों ने भावें उसनू तुच्छ जाणिया लेकिन परमेशर ने उसनू राजा बनाया। ते जदों एक बार सारे गोलियत तो डर रहे सन तां दाऊद ने परमेशर दे प्रति लगन विखाई अते दाऊद ने गोलियत नू हरा दिता अते परमेशर ने दाऊद नू सारे इसराइल दा राजा ठहरा के उसनू उच्चे थां उत्ते बिठाया। ते इस बारे असीं बाइबल विच वेख सकदे हां। तुहाडे जीवन च की तुहाडी इह हालत है कि तुसीं कह रहे हो मैं गरीब अते कंगाल हाँ ते मेरे परिवार की कोई आमदनी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हाँ। पढ़ाई लिखाई नहीं है। बहुत घट पढ़िया लिखिया हाँ। अगे की पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है ते मैनू कोई सहारा देण वाला नहीं है। कि इसे चिंता विच हो कि हमेशा तुसी यही सोचते हो कि जेकर मेरे माँ बाप अमीर होंदे तां जिंदगी च इन्नियां मुसीबतां ना हुंदियां। मैं तां बहुत ज़्यादा गरीब हाँ। कि इस तरह दियां सोचां करके चिंता च डुबे हो। दाऊद दे जीवन विच असीं वेखदे हाँ उसदे लई सब कुछ असंभव सी लेकिन परमेशर ने उसदे हालातां नूं बदल दिता ते उसनूं उच्चा कीता। अज शायद तुसीं अपने परिवार नूं वेख के कह रहे हो मेरा परिवार बहुत गरीब है ते मैं बहुत कंगाल हाँ। मेरी वल वेखण वाला ध्यान देण वाला कोई नहीं है। जां ये कह रहे हो कि मेरे परिवार दे लोक मैनूं बहुत नालायक समझदे हन अते कहिंदे हन मैं किसे काम दा नहीं हाँ। मेरे परिवार दे लोक मैनूं निकम्मा अते किसे काम दे लायक नहीं समझदे। दाऊद जिसनूं लोक नालायक समझदे सन प्रभु ने उसनूं उच्चा कीता अते सारे इसराइल उत्ते राजा नियुक्त किया। वह परमेशर तुहाडे जीवन च भी अचरज काम करेगा अते सफलता देवेगा। वह परमेशर तुहानूं भी जीवन विच उच्चे थां ते बिठावेगा। की तुसी विश्वास करदे हो? हाँ परमेशर मैं भी गरीब ते कंगाल हाँ ते जे तू दाऊद लई कर सकदा है तां मेरे जीवन विच भी करेगा। जेकर तुसी विश्वास नाल प्रार्थना करोगे तां जीवन विच अचरज कम जरूर वेखोगे। आओ दुआ करिए। हे प्रभु तू गरीबां ते कंगालां नू उच्चे थां उत्ते बिठाउण वाला ते सफलता देण वाला परमेशर है।
जिस तरह तू दाऊद दे जीवन च चमत्कार किया उसे तरह इन्हां दे जीवन च भी कर। जो ये प्रार्थना बुद्ध नहीं है, ज्ञान नहीं है, सब लोग मैनू ये कहते हैं कि तू बिल्कुल नालायक है ते किसे काम दा नहीं है। प्रभु जिवें तू दाऊद नू उच्चे थां ते बिठाया, इन्हां बच्चियां नू उच्चा कर। इन्हां दी प्रार्थना नू सुन के इन्हां दे जीवन च सफलता ते तरक्की दे मैं प्रार्थना करदा हाँ। येसू दे नाम विच मंगदा हाँ। आमीन आमीन।